नमस्कार, कैसे हैं आप? आपको 2022 का गुजरात चुनाव याद होगा। गुजरात चुनाव के दौरान केजरीवाल एक ऑटो में सवार होकर के नौटंकी कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें गुजरात पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए। ऑटो वालों का भी वीडियो वायरल हुआ, बाद में उसी ऑटो वालों ने केजरीवाल का सच बताया जब उस ऑटो वाले के घर कुछ मीडिया कर्मी पहुंच गए। लेकिन अब केजरी का असली सच भाजपा के एक नेता और पूर्व पत्रकार नवीन जिंदल ने कर दिया है। नवीन जिंदल गुजरात में उस होटल में पहुंच गए, महाराजा स्वीट्स, जिसमें केजरीवाल ठहरते थे जब वो नौटंकी करते थे कि हम आम आदमी हैं, हम ऑटो से चलेंगे, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ऑटो से चलने की बात करता था, गुजरात में जाकर आम आदमी होने की नौटंकी करता था और दावा करता था कि आईवी की रिपोर्ट है, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आपको याद होगा केजरी ने कई दावे किए थे कि मैं लिखित में ले लो, लिख करके ले लो, ऐसे उसके ट्वीट्स भी हैं, लिख करके ले लो, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये बात आईवी रिपोर्ट में सामने आ गई है, मोदी डर गए हैं, कांग्रेस को 5 सीट भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये पूरा ढोंग धड़धड़ा कर गिर गया कि केजरीवाल के सभी विधायक लगभग जमानत जब्त हो गए जब चुनाव के परिणाम आए। मैं खुद गुजरात में उस समय गुजरात में रिपोर्टिंग कर रहा था। केजरीवाल का ये सच चौंकाने वाला था और उससे भी ज्यादा जब केजरी का सच नवीन जिंदल ने सामने रख दिया। नवीन जिंदल के उस वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आएगा। 4 मिनट के इस वीडियो में नवीन जिंदल ने पूरी तरह से केजरीवाल को नग्न कर दिया है। प्रेसिडेंशियल सूट, आइए अब हम चलते हैं। ये प्रेसिडेंशियल सूट है, ये प्रेसिडेंशियल सूट अक्सर बिजनेस की बड़े बड़ी कंपनी के सीईओ, देश विदेश से आने वाले जो राष्ट्रपति या बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं दूसरे राज्यों के देशों के, वो यहां करके रुकते हैं। लेकिन ऐसे प्रेसिडेंशियल सूट जो हमारे देश के विभिन्न राज्यों में हैं, उसमें जानते हैं कौन रुकता है? इस देश के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जब भी कभी जाते हैं बाहर, चाहे गुजरात जाते हैं या फिर राजस्थान जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो, किसी भी राज्य में जाते हो, वैसी प्रेसिडेंशियल सूट में रुकते हैं। लेविश लाइफ, 10 लोगों के बैठ के एक साथ खाने की व्यवस्था जहां होती हो उनके रूम के साथ है। मुख्यमंत्री के लोग आते हैं ना साहब, उनके लिए तो बड़ी लेविश लाइफ चाहिए, अलग किचन, ताकि उनका बटलर या सब कुछ हो, और इसके अंदर अलग से सब कुछ होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, है ना, माइक्रोवेव होना चाहिए, और साथ में एक रूम है, प्राइवेट रूम, ऐसे रूम ऐसे बंद, इसको यहां से खोलिए, फिर इसके बाद दूसरा दरवाजा है, इसको खोलिए, लॉक होता है, और इसके साथ ही एक प्राइवेट रूम। इस प्राइवेट रूम में बड़े खास मेहमान रुकते हैं, बड़े खास, जिसकी एंट्री बाहर से होती है, और जब चाहे वो किसी अपने यानी कि मुख्यमंत्री जी के विशेष बेडरूम में जा सके। वो लोग वो कौन है ये तो वही जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता हूं। उसके लिए अलग है कि जब कोई नौकर नहीं रुकेगा तो सिक्योरिटी वाला नहीं रुकेगा, उसके लिए बाकायदा ऐसा अलग से नहाने की व्यवस्था है, उसके लिए अलग से टॉयलेट है, ये तो उसके लिए सब कुछ अलग अलग से, ये सेपरेट है, इधर से बाहर से डायरेक्ट उसकी एंट्री है, उसको यहां से आने की जरूरत नहीं, यहां से केवल जब उनको बुलाना हो तब वो एंटर कर सकते हैं। वो खास मेहमान कोई भी हो सकता है, वैसे मैं नहीं कह रहा हूं वो कौन है वो भी बताएंगे, लेकिन खास मेहमान यहां रुक जाता है और रुकने के बाद इस रास्ते से होते हुए उनके बेडरूम तक जा सकता है। ये अलग कॉरिडोर है जिससे बाहर से कोई लेना देना नहीं है, वो यहां से आएंगे और इस एरिया से ये बाथरूम है, ये एक अलग बाथरूम है जिसके अंदर कोई मेहमान, कोई बाहर का आदमी आए वो यहां जा सकता है। वो सीधा का सीधा इस प्रेसिडेंशियल सूट के बेडरूम के अंदर आ सकता है, ये बेडरूम आने का रास्ता है। और ये प्रेसिडेंशियल सूट का बेडरूम है साहब, ये देखिए बेडरूम, ये प्रेसिडेंशियल सूट का बेडरूम है, और इस प्रेसिडेंशियल सूट के बेडरूम में जब बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ या मालिक रहते हैं, वह देश का कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहते हैं।
आपके और हमारे पैसों से। और जब हमको जाना हो, ये विशेष टॉयलेट है, ये रहा साहब विशेष टॉयलेट। में इसलिए कह रहा हूं, इस टॉयलेट के अंदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अंदर घुसेंगे ना, जैसे मैं आपको दिखाऊं, आप यहां से देखिए, जैसे हम यहां से अंदर घुसे, हमने पैर रखा, ये अपना खुल जाता है। जैसे आया, ये देखिए ऑटोमेटिक हम अंदर आए, खुल गया अपने आप। साहब इसमें बैठिए, गर्म है, सर्दियों में गर्म हो जाएगा, गर्मियों में ठंडा हो जाएगा, और कुछ हाथ धोने वोने की भी जरूरत नहीं है, बटन लगे हुए हैं, अपने आप धुल जाता है सारा कुछ, समझिए। उसके बाद ये है इनका खाने के लिए अलग व्यवस्था, और जकूजी लेने की ये अलग बात। और इस बात के साथ टीवी देखिए, रेस तो है। ये जो इस प्रेजेंटर सूट का किराया है, ये 2 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए पर डे तक है। और इस देश के जहां राज्यों के अंदर गरीबी भी है, दिल्ली के अंदर भी बहुत गरीबी है, उसका मुख्यमंत्री रहता है, वो बकायदा कहता है कि ए डिजायर ए बुक ए प्रेजेंशियल सूट विद मील और डे ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली होटल सच एंड सच विद 7 स्काई सच एंड सच डेट। और उसमें साथ साथ लिखता है ये होटल जो है सेम बुक होना चाहिए, वैभव कुमार पीएस टू सीएम द सेम डेट सेम होटल वेयर चीफ मिनिस्टर विल स्टे ड्यूरिंग द विजिट। मुख्यमंत्री साहब, आप और आपके जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, उसको हर जगह प्रेजेंशियल सूट क्यों चाहिए? सरकारी गेस्ट हाउस में क्यों नहीं रुकते? आम होटल में क्यों नहीं रुकते? आपने पिछले वर्ष 2022 में, 22 से 23 के बीच में, 21-22 में गुजरात के अंदर चुनाव में दौरा किया था, सबने देखा था कि अरविंद केजरीवाल जी 3 व्हीलर में निकल करके बैठ रहे हैं, एक आम आदमी की तरह शर्ट भारतीय चप्पल पहनी हुई थी। लेकिन आप आम आदमी की तरह गुजरात में रुके तो नहीं, आप तो रुके प्रेजेंशियल सूट के अंदर, महाराजा सूट जिसका किराया 10 लाख रुपए पर डे है, और 2 कमरे बुक हुए तो 20 लाख रुपए पर डे किराया। पैसा देती है दिल्ली की आम जनता, उसके पैसे से आप रुके हो, सरकारी पैसे पर अय्याशी कर रहे हो, और दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। डीटीसी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, दिल्ली के स्कूल टीचरों को तनख्वाह समय पर नहीं देते हो, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर नहीं देते हो, और खुद जो है 20 लाख रुपए पर डे आप और आपका पीएस सरकारी पैसे पर अय्याशी उड़ाते हो पर डे के लिए। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन मैं देश की जनता से कहूंगा, ये लिस्ट मेरे पास है, अब मुझसे मांगिए अरविंद केजरीवाल जी कहां कहां रुके हैं। उनके बकायदा जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है उसकी तरफ से चिट्ठियां इश्यू हुई हैं कि उनके लिए प्रेजेंशियल सूट महाराजा सूट बुक किया जाए, हर एक के लिए, हर एक के लिए। मैं इसकी डिटेल मुझसे लीजिए, इन होटलों में जाइए, उसको देखिए, और अपने राज्य की जनता को बताइए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री सरकारी पैसे किस प्रकार से अय्याशी कर रहा है। अपने आप को आम आदमी कहने वाला ये व्यक्ति किस प्रकार से देश के पैसे को लूटने और बर्बाद करने पर लगा हुआ है, ये मुझे कहना है। जी, आपने देखा कि किस तरह से ये एक महाराजा स्वीट्स है, 8 से 10 लाख रुपए प्रति नाइट, पर नाइट 8 से 10 लाख रुपए ये आदमी आम आदमी बनता है। तो सोचिए कि किसने केजरीवाल के लिए ये उपलब्ध कराया। पब्लिक लाइफ में जो आदमी सिंपल वेशभूषा दिखाता है उसका सच क्या है? नवीन जिंदल पर केजरीवाल ने की टीम ने कई बार मानहानि किया, अब नवीन जिंदल दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल को मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे झूठा साबित कर दे। तो गैंग केजरीवाल को इस सच को सामने लाना चाहिए कि ये सच है क्या, नवीन जिंदल क्या झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल को बहस करने की चुनौती देते हैं, केजरीवाल हर किसी को बहस करने की चुनौती एक दौर में देते थे, ये कमाल की बात है। जिस नाटे कद के व्यक्ति को 36 नंबर का शर्ट आनी चाहिए, 38 नंबर की शर्ट आनी चाहिए, वो 46 नंबर की शर्ट पहनता है। आईआईटी इंजीनियर, इंडियन रिवेन्यू सर्विस का ऑफिसर, उसे कम से कम कैसे पहनावे पहनने चाहिए उसे तो आता होगा। वो एक धनाढ्य इंजीनियर का बेटा भी है, खुद को दावा करता है कि वो तो एक ऐसी संभ्रांत फैमिली से आया, अच्छे स्कूल में पढ़ा होगा। तो स्कूलों में भी तो शिक्षा दी जाती है कि कैसे कपड़े कैसे पहनने चाहिए, बड़े बड़े स्कूलों में तो कांटे चम्मच से कैसे खाते हैं यह भी सिखाया जाता है। केजरी आईआईटी इंजीनियर हुआ,
उसे इस बात का सलीका नहीं है कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए। गणतंत्र दिवस में चप्पल पहन करके जाने वाले केजरी 10-10 लाख की प्रतिनाथ की महाराजा स्वीट्स में ठहरते हैं और बाहर ढोंग करते हैं। यही दरअसल केजरी का असली सच है जो जनता को जानना चाहिए। केजरी ने भावनाओं की, केजरी ने भरोसाओं की हत्या की है। और कमाल की बात है कि केजरी अपने बेटे को इसी ढंग से मैदान में उतार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बेटे की तस्वीरें भी सामने आई गौरव राघव चड्ढा के शादी में, कि इतनी बड़ी शादी, एक हीरोइन की शादी हो रही थी, एक ऐसे व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति को, भाजपा आम आदमी पार्टी के सबसे धनाढ्य व्यक्ति की शादी हो रही थी, और उसमें केजरीवाल का बेटा देखिए किस तरह का शर्ट पहने हुए, बाप की तरह ही अपने से 10 नंबर ज्यादा का शर्ट, सिंप्लिसिटी। और एक यूट्यूबर ने केजरी के बेटे के इसी सच को सामने लाया कि उसकी कंपनी का ट्रेडमिल सरकार, आम आदमी पार्टी और सरकार इस्तेमाल करती है लाखों लाख के किराया दे करके। रचित कौशिक का ये वीडियो सामने आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पर तो कोई और ही लड़का था, अपने से 2 साइज बड़ी सस्ती सी शर्ट पहना हुआ पुलकित केजरीवाल। फोटो में पैर दिख नहीं रहे, लेकिन आई एम डैम श्योर सरजी की तरह चप्पल ही पहनकर आया होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टूडेंट ही तो है, चाहे IIT दिल्ली में ही क्यों ना पढ़ता हो, तो आपको बता दें कि पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। वो IIT पूरी करने से पहले ही 10 लाख रुपए महीना कमाता है। कैसे? केजरीवाल का शीश महल याद है, जिसमें 80 लाख के पर्दे लगे हैं, उसी में जिम वाली 4 ट्रेडमिल मशीनें भी लगी हैं। 15,000 से लेकर 15 लाख तक की ट्रेडमिल आपको अमेजन पर मिल जाएगी, लेकिन उससे कमाई तो होती नहीं, तो सरजी ने ट्रेडमिल किराए पर लेने की सोची। 4 ट्रेडमिल का 1 महीने का किराया सोचो कितना होगा? 5,000, 10,000, 15,000? जी नहीं, 10 लाख। ये 10 लाख रुपए महीने का किराया दिल्ली सरकार देती है, और ये ट्रेडमिल है एक कंपनी की जिसके मालिक हैं पुलकित केजरीवाल। घर बैठे अपने ही घर में ट्रेडमिल किराए पर दो और 10 लाख रुपए महीना कमाओ, क्योंकि ईमानदार सरकार। लेकिन कभी घमंड नहीं किया, शर्ट आज भी 2 साइज बड़ी ही पहनी। दरअसल यही चौंकाने वाला सच है कि केजरीवाल खुद नौटंकी करते हैं, और जब उनका सच आता है, उनके खिलाफ जब कोई स्टोरी करे, तो पंजाब पुलिस से पत्रकारों की गिरफ्तारी करवाते। इससे पहले भी एक कांड हुआ जब तजिंदर बग्गा भाजपा के एक नेता को पंजाब पुलिस उठाकर ले जा रही थी, किसी तरह से उसे हरियाणा से उठा बचाया गया। कमाल की बात यह है कि केजरीवाल के पास दिल्ली पुलिस नहीं है। यदि दिल्ली पुलिस होती तो केजरीवाल दिल्ली के पत्रकारों का जीना दूभर कर देते। इस तरह का सच किसी पत्रकार ने नहीं बताया है। रचित कौशिक भी अपने आप को पत्रकार दावा नहीं करते, वो इंजीनियर हैं, टेक्नोक्रेट हैं, YouTube पर वीडियो बनाते हैं, वो पत्रकार नहीं है। नवीन जिंदल भी अब पत्रकारिता नहीं कर रहे, वो क्राइम रिपोर्टर रहे लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तय सी बात है कि महाराजा स्वीट्स जैसे होटलों में किसी को यूं ही वीडियो नहीं बनाने दिया गया होगा। नवीन जिंदल जो वीडियो दिखा रहे हैं, उस वीडियो का सच यही है कि उस वीडियो में होटल वालों ने मदद की होगी। इतना तो सच है कि केजरीवाल वहां ठहरे होंगे, वो रिकॉर्ड जब तक नहीं दिखाया गया होगा तब तक नवीन जिंदल ने वहां वीडियो नहीं बनाया होगा। लेकिन सच यही चौंकाने वाला है कि केजरीवाल जैसे नेता ढोंग करते हैं पब्लिक मंच पे आकर के, और उनका सच कुछ और होता है। ये वीडियो सिर्फ केजरीवाल के उस सच को एक्सपोज करने का है जिसके माध्यम से आम आदमी बन करके वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और भ्रष्टाचार में फंसने पर वो नई नई नौटंकी करके बचने की तरकीब निकालते हैं। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।